थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें, सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, सीओपीडी, लंग कैंसर, आईएलडी, आज ही पहुंचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक डॉक्टर आजाद आलम। आपके शहर सिवान में बैठ रही हैं राज हेल्थ केयर सेंटर की महिला, स्त्री एवं प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता राज। यहां नॉर्मल डिलीवरी की विशेष सुविधा उपलब्ध है, ऑक्सीजन एवं नेबुलाइजर की सुविधा उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें राज हेल्थ केयर सेंटर, पता बढ़रिया स्टैंड, भीटू मॉल के बगल में, हनुमान मंदिर के सामने, पकड़ी मोड़, सिवान। नमस्कार, बिहार दिवस के शुभ अवसर पर सभी जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों, शिक्षाविदों, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जनों द्वारा हार्दिक शुभकामना भी दिया जा रहा है और बिहार दिवस के शुभ अवसर पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। हमारे साथ राजदेव सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। बिहार दिवस के शुभ अवसर पर प्रिंसिपल साहब क्या कुछ कह रहे हैं और सबसे अहम सवाल यह है कि विद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में भी जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बिहार दिवस पर अपने राजदेव सिंह महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं पूरे बिहार वासियों को बिहार दिवस की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ बिहार की सरकार को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहूंगा कि बिहार दिवस में बिहार के सभी निवासियों को की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जो एक जागरूकता कार्यक्रम और जिस तरह का भव्य आयोजन बिहार दिवस के अवसर पर बिहार की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मैं बिहार की सरकार को प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और बिहार के विकास के लिए पूरे बिहार वासियों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के विकास में आप चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हों, उस क्षेत्रों में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, बिहार का मान सम्मान स्वाभिमान आगे बढ़े, इसके लिए हम सतत सचेत और जागरूक रहें। हमारा प्रयास इस बिहार के विकास में योगदान हमारा निश्चित रहे, इस तरह की मैं आग्रह और निवेदन पूरे बिहार वासियों से करना चाहता। सर, शराबबंदी समाज सुधार अभियान कार्यक्रम को सरकार जो है धरातल पर सफल कराने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जहरीली शराब से बहुत सारे लोगों की जाने जा रही हैं। प्रशासनिक महकमा जो है मामले को डाइवर्ट कर रहा है, इस तरह की भी बातें आ रही हैं। और आप तो राजनीति और समाज सेवा में काफी सक्रिय रहे हैं और बेबाक अपना बात रखने के लिए जाने जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शराबबंदी जो कानून है वह समाज सुधार की एक ऐसी कथा है जिस कथा पर और जिस पटकथा को बिहार की सरकार शराबबंदी कानून लागू करके निभा रही है, उसमें हर आदमी की, हर व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है। शराबबंदी कानून के साथ साथ
बिहार की सरकार इस कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही है। ये एक ऐसा नशा है जिस नशा से व्यक्ति का परिवार का जो समुच्चय है वो समुच्चय बिगड़ता है। आदमी केवल आर्थिक रूप से नहीं, आदमी मानसिक रूप से यह नशा नुकसान करता है। लेकिन जिस स्तर पर बिहार की सरकार इस कानून को लागू कर रही है, निश्चित रूप से समाज में जागरूकता की जरूरत है और जागरूक करने के बाद ही इस कानून की सार्थकता पूरी हो सकती है। चलिए सर, चूंकि आज बिहार दिवस है, इसी शुभ अवसर पर आपके इस शैक्षणिक संस्थान तक आने का सौभाग्य मिला और आपका साक्षात्कार लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को आप राजदेव सिंह कॉलेज परिवार के तरफ से क्या कुछ शुभकामना देंगे? देखिए, यह एक शिक्षण संस्थान है और इस शिक्षण संस्थान में आने वाले जो समय है उन छात्र छात्राओं को उसके लिए निर्माण की प्रक्रिया में हमारा सहयोग है, तो उनके निर्माण में हम लगे हैं। अभिभावकों से मेरा अनुरोध होगा कि वो भी केवल विद्यालय के भरोसे नहीं, अपने छात्र, अपने पुत्र और बच्चों के प्रति वो भी एक जवाबदेह जन वचन कड़ी हैं, वो भी छात्रों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति पूरी जवाबदेही के साथ उसकी देख रेख करें, यही निवेदन करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, राजदेव सिंह कॉलेज परिवार से ही एक और शख्सियत मुखातिब हो रहे हैं। सबसे पहले शुभ परिचय सर आपका लेना चाहेंगे। आप गणित विभाग में जी कार्यरत हैं, किस पद पर पदस्थापित हैं? हम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हेड हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। यहाँ राजदेव सिंह कॉलेज में हम वर्षा का भी काम करते हैं जी। और आज बिहार दिवस है, पूरे बिहार वासियों को इसका शुभकामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज बिहार दिवस है, बिहार दिवस के शुभ अवसर पर कुछ शैक्षणिक संस्थानों का हम जायजा ले रहे हैं और वहाँ बिहार दिवस के शुभ अवसर पर किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहाँ जो भी पदस्थापित शिक्षकगण हैं, प्रिंसिपल हैं, वो क्या कुछ बिहार दिवस के शुभ अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, इन्हीं सब विषयों पर एक विशेष रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। आज हम जिला सिवान के राजदेव सिंह महाविद्यालय पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ राजदेव सिंह महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं, उनके साथ समस्त शिक्षक गणों की टीम भी मौजूद है, शिक्षेतर कर्मचारी भी हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल साहब से हम बात करेंगे कि विद्यालय में बिहार दिवस के अवसर पर क्या कुछ आयोजन किया गया है और क्या संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बिहार दिवस के अवसर पर कुछ कार्यक्रम वगैरह का आयोजन किया गया है आपकी तरफ से? प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा इस महाविद्यालय से संबंधित जो छात्र और छात्राएं हैं उनका एक कार्यक्रम तय है, जिस कार्यक्रम में सभी छात्र और छात्राएं गए हुए हैं। बिहार दिवस बिहार के लिए एक गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का और बिहार के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित रखने की इस कड़ी में राजदेव सिंह महाविद्यालय का भी एक अभूतपूर्व योगदान रहा है और आगे भी हम इस योगदान में आगे बढ़ के हिस्सा इस महाविद्यालय का रहेगा।
ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं और इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से पूरे बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामना, आपके दर्शकों को राजदेव सिंह महाविद्यालय परिवार की तरफ से बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामना, बधाई। सर, इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है, परिणाम अब सामने आ चुका है। आपके इस कॉलेज का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो क्या उपलब्धियां रही हैं, जरा इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। हमारे इस महाविद्यालय का जो इस गत जो परीक्षा फल आया है इसमें लगभग 97% बच्चों का अच्छा रिजल्ट है और महाविद्यालय के जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उन सभी का इस रिजल्ट में काफ़ी योगदान रहा। जी, चूँकि यह मतलब अनुदानित है, बिहार प्रदेश में बहुत सारी वितरित ऐसे भी विद्यालय हैं जहां सरकार के तरफ से नाम मात्र जी कि कुछ मतलब दिया जा रहा है, वो भी परफॉर्मेंस के आधार पर। शिक्षकों की संख्या तो यहाँ अधिक है और साल भर में यह जो है कुछ अनुदान आप सभी को मिलता है, इसके विषय में क्या कुछ कहेंगे, चूँकि मतलब महंगाई का समय है और इसमें कैसे आप लोग जो है एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए, बिहार के लिए वित्त रहित शिक्षण संस्थान एक काला अध्याय था, लेकिन काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी तो सरकार ने वित्त रहित जो व्यवस्था थी शिक्षा में उस व्यवस्था को समाप्त किया और सभी विद्यालय जो क्वालिफाई कर रहे थे उसको अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से अगर विचार जनमतन किया जाए तो सरकार जो अनुदान दे रही है वो अनुदान माने पर्याप्त नहीं है किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए। मुझे सरकार से ये उम्मीद है कि कोई अच्छी व्यवस्था जो अनुदान दे रही है उसकी कोई अच्छी व्यवस्था या कॉलेज के कर्मियों को निश्चित मानदेय की घोषणा सरकार करे ताकि शिक्षा में एक अभूतपूर्व जो काम बिहार की सरकार ने किया वित्त रहित व्यवस्था की समाप्ति का उसको उसकी सार्थकता तक पहुँचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।